बोलिए सद्गुरु देव की जय। वंदनीय संत समाज, आप लोगों के बीच थोड़ी सी बात प्रस्तुत है। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। दोनों मित्र बहुत ही छोटे थे, एक 5 साल का था, एक 10 साल का था। दोनों खेलते खेलते एक दिन गांव से बाहर चले गए, और गांव से जब बाहर गए तो खेलते खेलते ही जो बड़ा लड़का था, जो 10 साल का था, वह कुआं में गिर गया। जैसे ही कुआं में गिरा वह चिल्लाने लगा, जोर जोर से आवाज करने लगा। तो जो छोटा लड़का था, उसका मित्र था, वह परेशान हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। मदद के लिए वह आवाज लगाया तो कोई था ही नहीं, तो सुनता कौन। इतने में उसे एक बाल्टी दिखाई दिया जिसमें रस्सी बंधी थी। वह उसे लेकर आया और कुएं में डाल दिया और अपने दोस्त से कहा किसे पकड़ लो। वह छोटा बच्चा पूरी ताकत लगा करके खींचने लगा। और खींचते खींचते वह अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। बाहर निकलकर जब सकुशल गांव की तरफ चले और गांव के लोगों को, अपने दोस्तों को सारी घटना जब बताई, तो उसका कोई भी दोस्त, उसका मित्र उस पर विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुम 5 साल के हो और जो कुआं में गिरा था तुम्हारा दोस्त, वो 10 साल का, वह कैसे निकलेगा, कैसे निकाल पाओगे तुम, इतनी शक्ति तुम में कहां से आ जाएगी। कोई भी विश्वास नहीं किया, यहां तक कि गांव वाले भी विश्वास नहीं किए। पास में एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे। बात उन तक पहुंची तो वे विश्वास कर लिए और उस लड़के को बधाई देने लगे कि तुमने बहुत अच्छा किया। लोगों ने कहा कि आप कैसे विश्वास कर लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। बुजुर्ग ने कहा कि वो बता तो रहा है कि कैसे किया वो। उन्होंने कहा कि बता तो रहा है लेकिन हमारे समझ से बाहर है। बुजुर्ग ने कहा कि उसके पास उसे रोकने वाला कोई नहीं था, उसे यह बताने वाला कोई नहीं था कि तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है कि तुम उसे निकाल पाओ, ये बताने वाला कोई नहीं था। और इसीलिए वह अपनी जी जान लगा करके उसे खींच लिया।
ये होती है सच्ची मित्रता। जब मित्र अच्छा होता है तो अपनी पूरी जान लगा करके वो उसे कुएं से बाहर निकाल देता है, लेकिन वही मित्र जब दुर्जन होता है, गलत होता है, तो वह कुएं में धकेल भी देता है। क्योंकि हमारी मन स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, और उसके अनुरूप ही हमारा जीवन चलता है, हमारा कर्म चलता है। यदि हमारी मनस्थिति अच्छी है, सद्गुण ग्राही है, सद्गुण की ओर चलने वाला है, तो हम सदैव सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, दूसरों के लिए मदद करने वाले होंगे। लेकिन यदि हमारी मनस्थिति, हमारी सोच कायरता भरी है, तो हम सेवा करने के बजाय सेवा से जी चुराएंगे। मैं कह रहा था कि सच्चा मित्र कौन है। सच्चा मित्र वही है जो हमारे हर सुख दुख में सहायक हो। कहा जाता है कि एक पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, और एक दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होती है। एक अच्छा दोस्त यदि मिल जाता है तो इंसान का जीवन बदल देता है। अनेक बार ऐसा देखने में मिलता है, जब किसी नए दंपत्ति की शादी होती है तो कई बार ऐसा होता है कि पुरुष या लड़का कुछ गलत ढंग से खाने पीने वाला होता है, लेकिन लड़की सुसंस्कृत पूरे संस्कारी घर से आती है, उसके घर में खान पान नहीं चलता है, तो वह अपने पति को धीरे धीरे बदल देती है और उसे अच्छा इंसान बना देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बहू आई है वो तो अच्छे घर की है, लेकिन जिस ससुराल में गई है वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, वहां के लोग खाने पीने वाले हैं, तो वे उसे भी खाने पीने वाला बना देते हैं। उसे भी अपने रंग में रंग लेते हैं। तो ये संगति का प्रभाव होता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने संगति के लिए कहा है कि संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत पूर की, आठों पहर उपाध। अच्छे इंसान की संगत करने कहते हैं। आज का दिन एक अगस्त लोग फ्रेंडशिप डे के रूप में मना रहे हैं, मित्रता दिवस। सुबह से ही सोशल मीडिया में, अनेक जगहों में, अनेक प्रकार से लोग अपने दोस्तों को, पुराने दोस्तों को याद कर रहे हैं, जिनके साथ कुछ पल बिताए हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में कोई बदलाव लाया है, उन्हें आज याद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो बिताए पल हैं वो हमें याद रह जाते हैं। एक याद ही तो है जो हमारे साथ रहता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसकी अच्छाई याद रहती है, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी बुराई याद रहती है।
और मित्र वही होता है जो हमेशा अच्छाई की तरफ आगे बढ़ाता है। कुसंगत में तो ले जाने वाले अनेक दोस्त मिल जाते हैं और वे अक्सर याद नहीं रहते, किंतु जो अच्छा दोस्त होता है, सच्चा मित्र जो होता है, वो हमेशा याद रह जाता है, क्योंकि वह हमेशा हर मुसीबत में साथ देता है। बचपन में जब स्कूल पढ़ते थे तो इस ढंग से दोस्त हुआ करते थे जो हमेशा मददगार होते थे, मदद करने वाले होते थे, उनसे ही हमारी दोस्ती होती थी। जो हमारा मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, हम उससे ही दोस्ती करते थे। और अक्सर ये देखा भी जाता है कि मित्रता उनके साथ होती है जो हमारे मन के अनुसार होता है। जैसे कि एक चोर हो तो उसका मित्र एक चोर ही होगा, एक डाकू है तो उसका मित्र एक डाकू ही होगा, लेकिन एक डॉक्टर है तो उसका मित्र एक डॉक्टर होगा, एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, सामाजिक काम करने वाला व्यक्ति है, समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसका दोस्त उसी ढंग से होता है। और सज्जन का दोस्त सज्जन ही होता है, मित्र होता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। साधु की संगत करने से, साधु का मतलब केवल वेशधारी नहीं, साधु का मतलब है जिसकी मन स्थिति अच्छी हो, जो जागा हुआ हो, सजग हो, वह है साधु। जो साध लेता है वह है साधु, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने वाणियों को, अपने कर्म को जो साध लेता है वह है साधु। और उसकी संगत करने से हमें लाभ मिलता है। कैसे लाभ मिलता है? हरे और की व्याध, जो व्याधि है, पीड़ा है, उसे हर लेते हैं। जैसे एक बीमार होता है तो वह डॉक्टर की संगति करता है, अर्थात डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसका उपचार करते हैं, चिकित्सक उसका इलाज करते हैं। इससे उसकी बीमारी दूर हो जाती है। वैसे ही जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, उससे यदि हम संगत करते हैं, उनकी यदि हम संगत करते हैं, तो हमारी जो मन स्थिति है, हमारे मन में यदि पीड़ा है, दुख है, क्लेश है, संताप है, तो वो दूर होता है। क्योंकि संत गुरुजन करते क्या हैं? वे हमारे मन को धोने का काम करते हैं, हमारी बुराइयों को परखाते हैं। कहा जाता है कि जीवन में एक मित्र नीम के जैसा होना ही चाहिए। नीम का मतलब भले ही वह कड़वा हो, लेकिन औषधि के रूप में हो, छाया देता हो। जब
हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम कोई अच्छे पेड़ के पास नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, नीम के पास जाते हैं, नीम की पत्तियों को खाते हैं, नीम के अनेक दवाइयां हैं उनको लेते हैं, अर्थात भले ही वह कड़वा होता है लेकिन उसका हम सेवन करते हैं और तभी हम रोग से बच पाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमें गलत राह पर जाने से रोके, हमें गलत राह पर जाने से बचाए। हम सब यहां हैं तो हमारे संत गुरुजन हैं हमारे साथ, हमेशा हमें सत्संग मिलता रहता है, तो बाहरी जो विकार आने चाहिए वे हमारे जीवन में नहीं आ पाते। लेकिन जो छोटे छोटे दोष हैं, छोटे छोटे जो विकार हैं हमारे अंदर, वो कैसे दूर हों? वो दूर होते हैं हमारे संतों के संगति से। संतों में भी अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत साधनारत रहने वाले होते हैं, कुछ होते हैं कम साधनारत वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो नए नए हैं तो अभी वो सीख रहे हैं समझ रहे हैं। तो हमें किनके साथ रहना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सबका स्वभाव अपना अपना होता है, किसी का स्वभाव है बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाला है तो किसी का स्वभाव है कम हंसी मजाक करने वाला है, लेकिन कोई ऐसा है जो हंसी मजाक करता है फिर भी ज्ञान की अच्छी बातें बताता है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें रोकता है। अगर कोई हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमारा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, चाहे व्यावहारिक जीवन में हो चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो। तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है और ऐसे लोगों के ही संग साथ करना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने साखी ग्रंथ में कहा है, कबीर संगत साधु की जो गंदी को बास, जो कछु दे गंदी दे नहीं तो भी बास सुपास। जैसे इत्र बेचने वाला जब हमारे आसपास से गुजरता है तो हमें कुछ देता नहीं है, ना हम उससे कुछ लेते हैं, लेकिन वो पास होने के कारण, हमारे नजदीक होने के कारण हमें उसके इत्र की खुशबू अपने आप मिल जाती है। उसी प्रकार यदि हम संतों के निकट जाते हैं, संत गुरुजनों के साहचर्य में चले जाते हैं, तो जो हमारे बाहरी दोष हैं, जो मन हमारा हमेशा उद्वेग से भरा रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, वो अपने आप कम हो जाते हैं। कई बार हम सब अनुभव करते हैं या सुनते हैं, जैसे ही हमारा यह आश्रम है तो बाहर से लोग आते हैं, जैसे ही आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ बड़ा सुकून मिलता है। भले ही हम किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते, तो भी एक चक्कर आश्रम का अगर लगा लेते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। ये सुकून कहां से आते हैं? ये सुकून जो यहां रहने वाले लोगों के जो मन में है वहां से आती है।
क्योंकि जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो हमेशा सुकून महसूस करते हैं, तो उनके संपर्क में जो आते हैं वो भी उसका अनुभव करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, संगत से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होए। सुख उपजता है, कौन सा सुख? यहां कोई खेती तो नहीं होती, या कोई सुख की खेती हो जो एक छटाक हमें मिल जाता हो, उसे हम लेकर के तृप्त हो जाते हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। सुख उपजने का मतलब है हमारे मन में सुख का एहसास होता है, और सुख का एहसास कैसे होता है? जैसे यदि हमें प्यास लगी हो और हम पानी पी लेते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है। यदि हमें प्यास ही न लगी हो और हम पानी पीते जाएं तो हमें उस पानी का मूल्य या उस प्यास का मूल्य हमें पता नहीं चलेगा। या हमें यह भी लग सकता है कि पानी पीना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हमें प्यास ही नहीं है। लेकिन जब प्यास होती है तब हमें उस पानी की कीमत पता चलता है। तब हमें लगता है कि नहीं, ये पानी हमारे लिए कितना कीमती है, और उसका फिर हम उपयोग सही ढंग से करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जब दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, और इससे बाहर निकलने के लिए जब हम छटपटाते हैं और फिर वो सुख की अगर थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो हमें लगता है कि हाँ, कुछ मिला, कुछ सुकून महसूस हुआ। यदि हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई कष्ट ना हो तो हमें सुख का भी अनुभव नहीं होगा। हम चाहते हैं मोक्ष। यदि हम बंधन में ना हो या हमारे जीवन में कोई बंधन ही ना हो तो हमें मोक्ष की क्या आवश्यकता? यदि हमारे मन में कोई पीड़ा ही ना हो, हमारे मन में कोई दुख ही ना हो तो सुख की हमें क्या आवश्यकता है? सुख की आवश्यकता तो तब है जब हमें कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, कोई संताप हो। और मोक्ष भी यही है। यदि हमारे जीवन में बंधन है तो हमें मोक्ष की आवश्यकता है, और यदि हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं है तो मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि लगता है कि हमारे जीवन में बंधन है तो उसे खोलने का काम करना है। बंधन का मतलब ही होता है बंधा हुआ। जैसे किसी चीज में रस्सी लपेटा जाए और लपेटते 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 बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे तोड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन उसे हम धीरे 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 खोलने का काम करें
तो धीरे धीरे वह खुल जाता है और खुलने के बाद वह उससे मुक्त हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी है, हमने इतने प्रकार की मान्यताओं के बंधन बांध लिए हैं कि हमारा जीवन बंधा हुआ हो गया है। हमें लगता ही नहीं कि हमें सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, हम शांत को उपलब्ध हो सकते हैं, यह हमें कभी महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में इतने प्रकार के बंधन हैं जिसका कोई आदि ना अंत है। और केवल यही नहीं, हमारे कितने पिछले जन्मों के बंधन हमारे साथ बंधते आए हैं, जुड़ते आए हैं, और उन सबको काटना है, उन सबको खोलना है। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, कॉम्प्लेक्स फ्री। गांठ रहित हमारे जीवन में, हमारे मन में जब कोई गांठ नहीं होती तो हम उस सुख की झलक पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और फिर एकांत में अकेले में जब बैठ जाते हैं, कुछ भी जब हमारे मन में नहीं चलता होता, तब कभी कभी वो झलक मिलती है, तब वो शांति मिलती है कि हाँ ये है और ऐसे ही रहना है। लेकिन ये चीज यदि सदैव बना रहे, निरंतर वो चीज बना रहे, तो उसके लिए हमें काम करना होगा, उसके लिए हमें वक्त देना होगा। जैसे हमने अपने जीवन में अनेक बंधनों को पालने के लिए वक्त दिया है, वैसे ही अब उसे खोलने के लिए भी वक्त देना होगा। जैसे हम कोई चीज सीखते हैं तो उसके लिए कोई गुरु करते हैं, और फिर उस चीज को सीखने के लिए लगन होती है, और उसके अनुसार तत्परता के साथ काम करते हैं, तब हम उस चीज को सीखते हैं, सीख पाते हैं। वैसे ही इस मोक्ष दशा को प्राप्त करने के लिए, अपने मन को निर्बंध बनाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, और उनके अनुसार चल के जो हमारे मन में जितने कलिमल हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, उन्हें धोना है, और धोते 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 जब ये निर्मल हो जाता है, तब उस सुख की, उस शांति की, उस मोक्ष की कुछ झलक पा पाते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन में ऐसे सद्गुणों को इकट्ठा करें, ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाएं जो सदा हमें अच्छाई की तरफ प्रेरित करें, बुराई से बचाएं, और फिर अपने संतों के, गुरुजनों के, साधु संगति से चल करके अपने जीवन को निर्मल बनाने का काम करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।